हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। ये है क्लास 11 के फिजिक्स का 6th चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क होता क्या है। हमने क्लास 9th में वर्क की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, जो कहती थी वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर कहेंगे कि जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट एक्चुअल में वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है स्केलर होता है, तो इसलिए जो हमारा वर्क डन है वो भी एक स्केलर क्वान्टिटी है। अब आप सोच रहे होंगे जो ये वर्क डन है ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे है? इसे एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे आप लॉन रोलर को पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, तो आप फोर्स उसके ऊपर स्लैंटिंग लगा रहे हैं, बट वो मूव तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पर काम आता है डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि इक्वल में होता है ए बी कॉस थीटा। हमने जूनियर क्लासेस में ऐसे केसेस देखे जहाँ पे पूरे मोशन के दौरान जो फोर्स है वो सेम रहती है, बट रियल लाइफ में ऐसे आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को यूज़ करके एक छोटा सा मेथड निकालेंगे कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम में दिया हो कि वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है, तो आप वहाँ पर भी वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, और आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो कोई भी बॉडी पोजेस करती है अपने मोशन के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा एक्सप्रेशन हम यहाँ ड्राइव करेंगे दो मेथड से। एक तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, एंड द अदर वन इज़ सिंपल ग्राफिकल मेथड एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रोसेस को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसे ही हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के आपको कई जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, बट आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, वो सभी वैलिड होती हैं। फिर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस असल में वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड या सिंपली जिनकी जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि वो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक फॉलो कर रहा है या कोई और कर रहा है। इनकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वैल्यू डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पाथ के ऊपर। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये भी आप सभी जानते हैं, एनर्जी जो एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स हाइट। अब हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और अब हम कहेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, इट्स शेप और साइज। शेप और साइज को जनरली एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, और इसी की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर कुछ ब्रांचेस मिल जाती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, और उसके बाद आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ हम ब्रांचेस और भी बना लेते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट इस चैप्टर में हम सिर्फ दो को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट्स में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को KE और PE के नाम से एब्रीवेट किया गया है। हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा बहुत ईजी सा एक्सप्रेशन। अब जैसे मान लीजिए मैंने छत के ऊपर खड़े होकर एक बॉल नीचे फेंकी, तो अभी उसके पास जब वो मेरे हाथ में थी बॉल, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू इट्स हाइट। लेकिन अगर मैंने उस बॉल को वहीं से छोड़ दिया तो उसके बाद वो मोशन में आ जाएगी, तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को जीरो मान लें या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टाइम इंटरवल पे काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है वो एक कांस्टेंट है। और इसी के ऊपर, इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया। बात करेंगे हुक्स लॉ की, और हुक्स लॉ हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे हीट में हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, आजकल बहुत ही रिसेंट में चल रही है न्यूक्लियर एनर्जी। बात करेंगे कोलिजन्स की। कोलिजन असल में होता क्या, आप जानते होंगे कोलिजन क्या होता है, जब कोई भी दो या उससे ज़्यादा बॉडीज आपस में टकराती हैं उसे कोलिजन कहते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी वगैरह का ट्रांसफ़र भी होता है, उसके लिए हम एक्सप्रेशंस वगैरह ड्राइव करने वाले हैं। कुछ टाइप की कोलिजन जो हम यहाँ कंसिडर करने वाले वो इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स
कोलिजन के बाद एक सिंगल एंटिटी बन के मूव करना शुरू कर देते हैं विद कॉमन वेलोसिटी। और इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद उनका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर टोटल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी तो हर केस में कंजर्व ही रहती है, बट इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है थोड़ा सा, और उस लॉस को हमने यहाँ पे नोट्स में निकाल के दिखाया है। फिर एक छोटा सा आर्टिकल है बैलिस्टिक पेंडुलम के बारे में, एंड लास्ट में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं पार की बेसिक डेफिनेशन। और हम एक छोटा सा और रिलेशन देख रहे हैं कि जो पार होता है उसे हम फोर्स और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। गाइज इस चैप्टर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के नोट्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू।